हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके ट्विन फ्लेम के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस यूनिवर्स कैसे कराते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे कि पिछले वीडियोस में भी कई बार बता चुकी हूँ, ट्विन फ्लेम होता है आपकी ही सोल का आधा भाग, आपका ही काउंटर पार्ट होता है, आपका जो ट्विन फ्लेम होता है। तो जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है, कुछ साल अच्छे बीतते हैं, जिससे कि आपका आपके ट्विन फ्लेम की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि आप उसको छोड़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट लाइफ में इस तरीके के कैप्चर हो जाते हैं कि आप अपने ट्विन, कितना भी आपको दर्द दिले, पेन दिले, आप उससे कभी भी अलग होने की नहीं सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपके ट्विन द्वारा किस तरीके से यूनिवर्स आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, आपका जो ट्विन है ना, ट्विन फ्लेम है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा, कुछ ना कुछ, कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी कार्य वो ऐसा कर देगा जिसकी आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा भी कर सकता है। जब वो इस तरीके के काम करता है तो आपकी जो सोल होती है ना, वो टूट जाती है, बिल्कुल बिखर जाती है, उसकी जो बैटरी होती है बिल्कुल डाउन हो जाती है, और आपके मन में ये ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या अब मैं सुसाइड कर लूं। आप मरने तक की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, आपका जीवन एकदम तहस नहस, आपको फील होता है कि मेरे जीवन में सब कुछ तहस नहस हो चुका है, अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। जिस क्योंकि आप ट्विन, आपका पूरा फोकस आपके ट्विन की तरफ होता है, और जब वो आपको तोड़ता ना, आपकी ज़िंदगी ही बिखर जाती है, आपकी दुनिया उजड़ जाती है, आपको लगता है अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं मर जाऊँ। ठीक है, पहला तो आपको ट्विन द्वारा ये पेन दिया जाता है बहुत ही दर्दनाक तरीके का। दूसरा फिर आपके साथ होता ये है, आप बिल्कुल दर्द में, पेन में, तकलीफ में, एंग्जाइटी में, क्रोध में, गुस्से में भर जाते हैं। क्रोध ये लगा लीजिए, क्रोध तो ख़त्म ही हो जाता है, वो अंदर से ही आपको इतना तोड़ देता है। आप क्रोध करोगे तो करोगे किस पे, गुस्सा करोगे तो करोगे किस पे, गुस्सा उस पे करा जाता है जो आपके नीचे दबा हुआ हो। ट्विन आपसे नहीं दबते हैं, ट्विन आपसे नहीं दबते हैं, क्योंकि आप नहीं दबते तो वो भी नहीं दबते, क्योंकि आपके ही बॉडी के वो काउंटर पार्ट ट्विन आपसे बिल्कुल नहीं दबेंगे आपके, ये चीज़ देख लेना बिल्कुल। वो आपको भाग जाएंगे छोड़ के, और आपके से दबने वाले नहीं है ट्विन। तो आप अंदर ही अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं उस दौरान। फिर आपके साथ होता ये है, फिर आपके सामने कहीं ना कहीं से आपको अंदर ही अंदर ये फील होना शुरू हो जाता था कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ, जब मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं, प्यार नहीं, प्रेम नहीं, तो मैं क्यों आई हूँ, क्या है मेरा सोल पर्पस, क्यों मैं आई हूँ। फिर आपको अपने आप ही मेडिटेशन, योगा आदि के वीडियोस दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे अपने आप को आप उस दर्द से बाहर निकाल पाएँ, उस पेन से बाहर निकाल पाएँ। इस तरीके के वीडियोस अपने आपके सामने खुद ब खुद आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप वो देखना शुरू करते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन की तरफ ध्यान लगाते हैं, ताकि आप उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा सकें। फिर कहीं ना कहीं से आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानना शुरू कर देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना आप शुरू कर देते हैं, जिससे कि होता ये है कि आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं, और आपने देख करके अपनी लाइफ में लगाना शुरू करते हैं, आप अपने ऊपर उनको अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप उन्हें अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के द्वारा 24 घंटे मेरे हस्बैंड या मेरे पार्टनर, मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं, आप कहना शुरू करते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन अपने आप को देना शुरू करते हैं, पानी चार्ज करके पार्टनर को पिलाना शुरू करते हैं, खुद पीना शुरू करते हैं, इस तरीके के आप काम करना शुरू कर देते हैं, और आप उसको मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं। जब आप उसको मैनिफेस्ट करते हैं, वो फिर से आपके पास आता है,
और आकर के फिर से ही अब आप सोचते फिर आप सोचते हो कि अब तो ये मेरे पास आ गया, अब ये क्या करें, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो ये भगवान ने मेरे पास भेजा। आप इस तरीके से सोचना शुरू करते हो, बट जैसे ही आप उससे कुछ उम्मीदें लगाना शुरू करते हो, वो फिर से आपकी ये लगा लो उम्मीदें को तोड़ करके भाग जाता है और फिर से आप अकेले पड़ जाते हो। आप सोचते हो मने मन यार क्या, बस मेरे ऊपर तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता। इस तरीके से ख्याल आपके मन में आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप टैरोट रीडिंग्स कहीं ना कहीं से अपने आप ही या किसी के द्वारा या अपने आप से ही आपके सामने पी के पायल रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये सब चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद यूनिवर्स के द्वारा आनी शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्स के द्वारा गाइडेंस, परमात्मा आपको किसी न किसी तरीके से अवेकन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही ये चीज़ें आपके आना शुरू करते हैं, आप 24 घंटे टैरो कार्ड रीडिंग्स में लगे रहते हैं, आप 24 घंटे यही चीज़ें देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रही थी, करंट एक्शन क्या है, उसके करंट मूव क्या है, क्या नेक्स्ट मूव क्या होगा, एक्शन क्या लेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या है। आप 24 घंटे इन टैरो कार्ड रीडिंग में लगे रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता आप कब ये 2-2 घंटे की वीडियोज़ किस तरीके से निकाल देते हैं। बिल्कुल भी मिस करना पसंद नहीं करते है ना, आप इस तरह की वीडियोस में लगे रहते हो। फिर आपके सामने क्या होता है, आपके सामने ये जो रेपिटेटिव नंबर्स हैं, एंजल नंबर, कहीं ना कहीं से ये आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप इनको सर्च बार में डाल कर टाइप करते हैं कि एंजल नंबर 1, 2, 3, इनका मीनिंग आप खोजना शुरू कर देते हैं कि वाओ एंजल्स मेरे साथ हैं, वाओ भगवान मेरे साथ हैं। तो आपको अपने एंजल्स की, अपने भगवान की जो वो फीलिंग्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, आपको एकदम से खुशबू आती है, आपको फैदर मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। ये सब आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है ये सब आपके साथ हो रहा है। इस तरीके से भगवान आपको साइन दे रहे हैं कि आप घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं। बेशक आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कठिन है, हमें पता है, लेकिन उस ईश्वर का सपोर्ट आपके साथ है, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, परमात्मा का साथ आपके साथ है। इस तरीके से जब आप करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपके साथ होती ही होती है। ट्विन फ्लेम के द्वारा जब आपकी अवेकनिंग का स्टार्टिंग का ये प्रोसेस है, शुरू में ही होता है जब आपके ट्विन फ्लेम के द्वारा आपकी अवेकनिंग होती है, फिर वही आप अपने सेल्फ लव में लगे रहते हो। कभी ट्विन आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, बस यही सिलसिला आपके बीच चलता रहता है। बट ये ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में देखिए तब तक नहीं थमेगा जब तक कि आप अपने आप में हर तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाते, ये बिल्कुल श्योर है। कंप्लीट का मतलब है आपकी इनर ग्रोथ और आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ, जब तक ये आपकी चीज़ें आपके अंदर नहीं हो जाती, और स्पेशली इनर ग्रोथ, जब तक आप हर चीज़ में बिल्कुल प्योर नहीं हो जाते, तब तक आपका ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं आएगा। वो आपके पास आएगा तो आपको दर्द देगा, पेन देगा, तकलीफ देगा, आपको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, निचोड़ेगा, ये सच है बिल्कुल। तो अपने आप पर ही यार ध्यान दीजिए, अपनी इनर ग्रोथ करिए। परमात्मा, ये जो आपका सोल मिशन है ना, इसमें आपको किसी स्पेशल चीज़ के लिए भेजा गया, ताकि आप लोगों के लिए कुछ करें, आप लोगों की हेल्प करें, मदद करें। आपको यहाँ पे वो वाला, यहाँ पे आपके साथ वो नहीं होने वाला कि ट्विन आएगा आपके आंसू पूछेगा, नहीं जानू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप रोए नहीं, घबराए नहीं। आपके ट्विन फ्लेम द्वारा आपको फुल टॉर्चर कराया जाता है यार, मुझे पता है ऐसे ही होता है, बहुत डेंजर जर्नी है ये। आपके ट्विन फ्लेम द्वारा आपको टॉर्चर कराया जाता है, इस यूनिवर्स कराते हैं आपको, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके, क्योंकि आप बहुत डिवाइन सोल हैं और आपके डिवाइन से आपको गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाती है। और आपका ही आत्मा का काउंटर पार्ट है, वो कहीं नहीं जाने वाला, आपका ट्विन फ्लेम जाएगा कहीं नहीं। आप ये सोचते हो कि भाग जाएगा, किसी के साथ अफेयर कर लेगा, चक्कर चला लेगा, बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, वो कहीं नहीं जाएगा। बस अपने पे ध्यान दें, अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, अपने आप को स्टैंड कीजिए, अपने आप पे पूरा ध्यान दीजिए, और देखिए जो वो यूनिवर्स आपको कराना चाहते हैं, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं भगवान, और आप लोगों की मदद करें। जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे ना, तो ट्विन आपके पास ऐसे भाग के आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन मैनिफेस्ट आप उसको कभी भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैनिफेस्ट टेशन टेक्निक जो होती है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है, और ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो दूसरी चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ यार आपको बहुत हेल्प मिली होगी, मदद मिली है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो उम्मीद करती हूँ मैं
अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ सही 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 शेयर कर पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर जरूर करते रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग।